मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अभी तेंदुपत्ता टूटने वाला है, महुए का फूल बिनना आपने शुरू कर दिया है, वनोपज कई लोगों को रोजगार देती है, आमदनी बढ़ाती है, और इसलिए हमने तय किया है अभी 25 तारीख से महुए के फूल सहित महुए की गुल्ली, करंज का बीज, साल का बीज, अचार की गुठली, ये सब खरीदने का फैसला किया है। और गरीब बहनों और भाइयों, ये औने पौने दाम पर ना बिके इसलिए हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका तय कर दिया है। अचार की गुठली हम 130 रुपया प्रति किलो खरीदेंगे, इससे ज्यादा में बिके तो व्यापारी खरीदे, इससे ज्यादा दे तो व्यापारी खरीदे, लेकिन इससे कम में हम नहीं बिकने देंगे, वनोपज संघ के माध्यम से सरकार खरीद लेगी। पलाश लाख 150 रुपया प्रति किलो, कुसुम लाख 230 रुपया प्रति किलो, हर्रा 20 रुपया प्रति किलो, बहेड़ा 25 रुपया प्रति किलो, हमारे महुए का फूल 35 रुपया प्रति किलो, महुए की गुल्ली 35 रुपया प्रति किलो, अलग अलग दरें हमने तय करके इनको खरीदने का फैसला किया। तो औने पौने दाम पर मत बेचना, इंतजार करना, 25 तारीख से हम खरीदने वाले हैं, आप जितना बीन के लाओगे सरकार खरीदेगी। जो तेंदुपत्ता है उसकी तुड़ाई भी शुरू होने वाली है, 2500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से उसकी मजदूरी देने का भी हम काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। मई महीने के प्रथम सप्ताह तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर रोज सृजित कर देंगे, ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखिए, उन्हीं जिलों में जहां संक्रमण नहीं है, जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात करके कौन सी गतिविधि शुरू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, यह हम तय करेंगे। मेरे किसान बहनों और भाइयों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीबों की, हमारी सरकार किसानों की सरकार है, और इसलिए हमने आते ही तय किया, मुख्यमंत्री बनते ही किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मई हमने कर दी, क्योंकि इस संकट में किसान पैसा कहां से लाता। पिछली सरकार ने आपके फसल बीमा योजना की राशि दबा ली थी, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम नहीं दिया, उसलिए फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिली। मैंने आते ही जब यह देखा कि किसानों के साथ छल है, धोखा है, तत्काल फैसला किया और 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि मैंने तत्काल जमा कर दी, और इसलिए 15 लाख किसानों को 2990 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके खाते में डाली जाएगी। एक क्लिक से इस राशि को भी आपके खाते में डालने का काम जल्दी मैं प्रारंभ करूंगा। ये किसान का हक था जो हमने उसको देने का फैसला किया है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आपको पता है जब मैं पिछली बार मुख्यमंत्री था, हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने का फैसला किया था। अब आपको मैं फिर से ये सूचना दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ कि हम आगे भी किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, ताकि कर्जा उसके ऊपर बोझ ना बने। हमने ये भी तय किया है किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से जो फसल ऋण 19-20 में दिया गया था, उसके भुगतान की तिथि 28 मार्च थी। इस संकट के समय किसान कहाँ से पैसा लाता, और इसलिए हमने तय कर दिया है कि अब 31 मई 2020 तक वो राशि जमा की जा सकती है, और इसका जो ब्याज होता था 55 करोड़ रुपया, वो हमने सरकार के खजाने से भरने का फैसला किया है, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। मेरे किसान बहनों और भाइयों, चिंता मत कीजिए, खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, आदानों की व्यवस्था, वो सब हम ढंग से कर रहे हैं। जिन इलाकों में तीसरी फसल होती है, वहां जहां नहर छूट सकती थी, नहर छोड़ के हमने मूंग इत्यादि की फसल के लिए पानी दिया है, और कोशिश हमारी ये है कि जहां किसान तीसरी फसल पैदा करता है उसके लिए पर्याप्त बिजली भी हम किसान को दे दें, ताकि संकट के समय तीसरी फसल पैदा करके भी किसान अपनी आमदनी बढ़ा ले। एक निवेदन और आप सबसे करना चाहता हूं, ये भयानक संकट का समय है, खरीदी की कल्पना करने इस समय मुश्किल थी, बारदाने नहीं थे, गोडाउन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आते ही पहले दिन से मैंने बारदानों की व्यवस्था,
आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जूट के कारखाने बंद हो गए, तो हमको जूट के बारदाने नहीं मिल रहे थे, तो हमने प्लास्टिक के बारदाने यहां बनवाने का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। पूरी व्यवस्था हमने बनाई। देखो हमाल भाग गए, मजदूर नहीं है, बिहार से और दूसरी जगह से आते थे जो हमाली का काम और ढोने का काम करते थे, लेकिन हमने इन सारी व्यवस्थाओं को स्थानीय लोगों से पूरा करवाने का फैसला किया। और ये फैसला किया कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हम अन्नदाता के अन्न को खरीदेंगे, उपार्जित करेंगे। इसलिए हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम चना खरीद रहे हैं, हम मसूर खरीद रहे हैं, सरसों की खरीदी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ताकि किसान को उसके पसीने का पूरा मूल्य मिल जाए। और मुझे कहते हो खुशी है कि खरीदी अब पूरी ताकत से शुरू हो गई है। रोज किसान, हजारों किसान आ रहे हैं और अपनी उपज बेच रहे हैं, जल्दी उनके खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा। हमने बैंकों को, जिन किसानों से पहले खरीद कर ली है, बैंकों को पैसा दे दिया है, जल्दी बैंकों के पास से वो पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी प्रार्थना एक ही है, धैर्य रखना, ऐसे में सोने के बाद ही खरीदी केंद्र पर आना, भीड़ मत लगाना, क्योंकि कोरोना का संकट है, और ये विश्वास रखना कि मैं हूं, पूरी उपज खरीदूंगा, जल्दीबाजी मत करना, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है, साबुन से हाथ धोना है। और मास्क जरूरी नहीं है कि आप खरीद के लगाओ, अपने गमछे को धो और उसी को मास्क बना लो, लेकिन केवल उपार्जन ही एकमात्र तरीका नहीं है। हमने ये फैसला भी किया कि मंडी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का संकट है, मंडी में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए व्यापारी सौदा पत्रक के माध्यम से आपके घर पर आकर भी आपके अनाज को खरीद सकता है। और मुझे कहते हुए खुशी है, कई व्यापारी और किसानों ने आपसी सहमति से ऐसे सौदे किए हैं। मुझे एक शिकायत आज मिली, और वो शिकायत ये थी कि हमाली का पैसा कुछ जगह किसानों से वसूला जा रहा है। मैंने आज साफ निर्देश दिए कि व्यापारी और किसान जिस भाव पर सौदा करेंगे, वो पूरा पैसा व्यापारी को किसान को देना पड़ेगा, उसमें से हमाली वो नहीं काटेगा। ये मैंने निर्देशित किया है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आप चाहें तो अलग प्राइवेट मंडियों में भी अगर कोई मंडी बना के, दुकान बना के प्राइवेट खरीद करना चाहता है, तो प्राइवेट खरीद केंद्रों से पर भी आप अपने अनाज को ठीक मूल्य मिलने पर बेच सकते हो। समर्थन मूल्य पे हम खरीद ही रहे हैं, तो वो सुरक्षा कवच हमारे पास है ही, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने खरीद केंद्र पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए, 4700 से ज़्यादा खरीद केंद्र है, और इसलिए उपज की चिंता आप मत करना, मैं किसानों की चिंता करूंगा। किसान बहनों और भाइयों, संकट का समय है, धैर्य का परिचय देना, मिलके हम सब इस संकट से निकलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत लाड़ करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरे कई बच्चे बाहर फंसे, कोटा में भी फंसे हुए थे, आज ही कल और आज में 2700 से ज़्यादा ऐसे बच्चे बस भेजकर वापस बुला लिए गए हैं, अब वो अपने घरों पर जा रहे हैं। हमारे ऐसे बच्चे, देखो इस संकट में सावधानी रखने की जरूरत है, और सावधानी रखते हुए हमने उनको घर पहुंचाया है। पुट्टपर्ती में भी जो लोग फंसे थे उनको भी वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, मजदूर जो जहां हैं उनकी बेहतर व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं।